रेडियो सिटी पर किनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। मेरे शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिनी। आज शो की शुरुआत में मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। छोटा सा सवाल है, क्या आप किताबें पढ़ते हैं? अगर आप किताबें पढ़ते हैं देन हाउ डू यू चूज अ बुक? लाइक आपको कैसे पता होता है कि आपने ये किताब उठानी है? एक होता है कि आपको रिकमेंडेशन मिली हो, एक होता है कि यू नो समथिंग अबाउट अ बुक और एक स्पेसिफिक ऑथर को आप ढूंढ रहे हो। रैंडमली आप किताब कैसे उठाते हो? पिता बैक पावर पढ़ के, कहीं पे कुछ और पढ़ के। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो इस किताब की मैं आज बात कर रही हूँ मैंने कैसे उठाई। फेसबुक का एक नया फीचर आया जहां पर वो आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताता है। तो किसी ने इसका एक टू लाइंस का प्रीफेस लिखा था विच सेड यू सी सारा, ये होना ही था, मैं इसे प्रिवेंट कर नहीं सकता था। क्या कर सकता था? ये किसी के साथ भी हो सकता था पर ये मेरे साथ हुआ। इट हैड टू हैपन टू मी। थिंक अबाउट इट। क्या चांसेस है कि ऑफ ऑल द मेन इन द वर्ल्ड, ऑफ ऑल द डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, ऑफ ऑल द फादर्स इन द होल वर्ल्ड, मैं ही होऊंगा वो जो कि उस जगह पर उस समय पे प्रेजेंट था। समवन और द अदर हैड टू डू इट। इट जस्ट हैपेंस दैट दैट समवन वाज योर डैड। ये था इंट्रोडक्शन इस किताब का। इस किताब का नाम है टेल हर एवरीथिंग, लिखा है मिर्जा वहीद ने। एंड ओ माई गॉड, मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी सिर्फ इसकी ओपनिंग की कुछ लाइन से कि आई वाज लाइक यार मुझे किताब पढ़नी है। मतलब मैंने इसको स्पेशली तीन दुकानों से पता किया, नहीं थी, ऑनलाइन ऑर्डर करा, फाइनली मेरे पास ये किताब आ गई। और पिछले हफ्ते मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने एरोप्लेन में बैठकर लिटरली तीन चौथाई ये किताब खत्म करी, फिर एयरपोर्ट पे बैठ के बाकी एक चौथाई खत्म करी और फिर ही मैं बाहर निकली। दैट्स हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक वॉज। पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुझे पूछें कि इज इट अ बुक वर्थ पिकिंग अप, मैं बोलूंगी यस इट्स ब्रिलियंट, पर इट लेफ्ट मी वॉन्टिंग मोर, नॉट मोर ऑफ द स्टोरी, पर मुझे बस लगा कि इसका एंड और ब्यूटीफुल होना चाहिए। क्या मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ? क्या मैंने आपको कहानी बिल्कुल नहीं बताई है? तो चलिए आपको कहानी सुनाती हूँ इस कहानी की, इस किताब की, जिसका नाम है टेल हर एवरीथिंग, लिखी है मिर्जा वाहिद ने। इट्स द स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर, हिज वाइफ एंड हिज डॉटर सारा। और सारा का वो चिट्ठियां लिख रहा है तो बड़ी कंफ्यूजिंग है, पर क्या लिखता है पहली चिट्ठी में? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले सुनाया था कि इसका प्रीफेस कितना ब्यूटीफुल था, कितना अपनी तरफ खींचता है, और ये किताब भी ऐसी है। तो कहानी बड़ी सिंपल लाइफ की है। एक इमिग्रेंट है, इंडिया से गए हैं, इंडिया में बहुत गरीब है, माँ बाप इतने गरीब है कि उनके पास खाने को नहीं है, वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। ऐसी फैमिली से निकलकर डॉक्टर के, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो एक डॉक्टर बन जाते हैं, उनकी फैमिली के लिए कितनी गर्व की बात होती है। और जब वो ये कहानी सुना रहे होते हैं अपनी इमिग्रेंट फैमिली की और किस तरह से वो रिच और सक्सेसफुल हुए, आप कहीं ना कहीं कहानी से रिलेट करते हैं। क्योंकि लेट्स फेस इट, आप भारत के किसी भी हिस्से में हो, हम सबकी फैमिली में एक या दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब्रॉड जाकर सेटल हुए और कहीं ना कहीं बहुत पैसे कमाए, अपनी जिंदगी बदल दी। सो यू रिलेट विद द स्टोरी। एक्सेप्ट धीरे धीरे स्टोरी में बहुत डार्कनेस आती रहती है। ये कहानी शुरू होती है विद अ सीरीज ऑफ लेटर्स जो डॉक्टर के अपनी बेटी सारा को लिख रहे हैं। और आपको लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे उसे सब कुछ बताना है, आई नीड टू टेल हर एवरीथिंग, पर व्हाट इज दैट एवरीथिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ। एक सब बड़ी चीजें डार्क होती जा रही है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछू, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो, अगर मैं आपसे पूछूं सही क्या है गलत क्या है, हम सबके पास आंसर्स होते हैं, हम सबको पता है कि ठीक क्या होता है और गलत क्या होता है। बट अगर पैसे की बात आए, अगर आपके चुप होने से या चुप रहकर किसी गलत काम को करने से आपको बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं, क्या आप वो करोगे? I don't know what your answer is, पर डॉक्टर के कर रहे हैं और डॉक्टर के इसमें बहुत सारी चीजों की दुहाई दे रहे हैं, अपनी गरीब पेरेंट्स की दुहाई दे रहे हैं जिनको अब फाइनली एक गाड़ी मिल चुकी है, अपनी बीवी और अपनी बेटी की दुहाई दे रहे हैं। पर वो जब दुहाई दे रहे हैं आप रियलाइज करते हैं कि वो इतनी बुरी तरह से क्षमा चाहते हैं किसी ना किसी से कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत होगा। And that is the power of this book. It keeps wanting to make you want to find out कि ऐसा क्या कर रहे हैं यार डॉक्टर के, समझ नहीं आ रहा, what is he doing that he needs so much of forgiveness for? और यही कहानी है टेल हर एवरीथिंग की। डॉक्टर के की जिंदगी में वापस चलते हैं तो ये एक इमिग्रेंट थे, एक साउथ एशियन किसी अस्पताल में काम करते हैं, अपनी बीवी अतिया के साथ रहते हैं। अतिया बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, अतिया बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, अतिया के साथ खुश रहते हैं, इनकी एक छोटी सी बेटी होती है सारा, सारा के साथ, अतिया के साथ अपनी जिंदगी बनाते हैं एंड लाइफ इज गोइंग ऑन। फिर एक पैराग्राफ थी जहां से शुरुआत होती है इस डार्कनेस की, जहां पे वो कहते हैं आई वाज देयर सारा, मैं वहीं था, इन द थिक ऑफ इट, इन द मिडल ऑफ इट, मैं अपना नॉर्मल काम करता और उसके बीच में ये वाला काम भी करता। मतलब कई बार मुझे समझ नहीं आता था कि मेरा नॉर्मल काम क्या है और ये स्पेशल वाला काम क्या है। मैं वो काम करता उसके बाद अपने कॉलीग्स के साथ
बैठकर चाय पीता, बिस्किट खाता और नॉर्मल जिंदगी हो जाती, पर इस काम के लिए मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे। कितने पैसे मिल रहे थे ये मत पूछना, बड़ा एम्बैरेसिंग फिगर हो जाएगा। पर यू नो सारा, इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे वो लोग दिखाई देते थे, कई बार मुझे स्क्रीन दिखाई देती थी, मुझे वो बाप और वो बेटा दिखाई देते थे। अब वो किस बारे में बात करें ये क्लियरली लिखा नहीं है। इसके बाद शुरू होता है सारा का पर्सपेक्टिव। डॉक्टर के की जो बीवी आती है, वो एक दिन एक कार्डियक अरेस्ट की वजह से सडनली चलते फिरते उनकी डेथ हो जाती है। सारा उस समय 7-8 साल की होती है। सारा को स्कूल से बुलाया जाता है, वो बहुत ब्रेव होती है, अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ बैठी है। फिर उनके अंतिम संस्कार किए जाते हैं। इंडिया में वो फोन नहीं करते हैं किसी को, उनका एक फ्रेंड होता है बीजू जो उनकी मदद करता है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि सारा को हमने भेज देना है अतिया के भाई के पास। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार सारा के लिए ये जगह अब सही नहीं है, और वो सारा को पैक ऑफ कर देते हैं। अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं डॉक्टर के। अब किताब के बीच में सारा की चिट्ठियां आनी शुरू हो जाती हैं जो वो अपने पिता को लिख रही है, और वो बताती है कि कितना डिसअपॉइंटिंग था एज ए चाइल्ड कि पहले अपनी माँ को खो दो और आपको पता है कि अब आपकी सारी जिंदगी आपके डैड हैं जो आपसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और सडनली वो डैड भी आपको अपने आप से दूर कर देते हैं, एक मामा के घर भेज देते हैं। और वो मामा को आपके डैड वैसे ही कभी पसंद नहीं थे। कई बार मामा मामी रात को जब सारा सुन नहीं सकती थी या उनको लगता था कि सारा को सुनाई नहीं देगा, धीरे धीरे बात करते थे कि पता है डॉक्टर के क्या क्या काम करते हैं। अल्लाह तौबा, ये तौबा कभी सारा को समझ नहीं आता था कि क्या है, पर सारा को बहुत बुरा लगता था कि मेरे डैड के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दीज आर टू फॉर्मेट, एक फादर का पर्सपेक्टिव, एक डॉटर का पर्सपेक्टिव टू द सेम सिचुएशन। और आप रियलाइज करते हैं कि कितना डिफरेंस हो सकता है एक ही सिचुएशन को देखने में, और कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं होता। अनदर पार्ट ऑफ द बुक दैट आई रियली 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 लाइक्ड, सारा कहती है आई डिड नो कि आप क्या करते थे डैड। और यहाँ पर किताब लिटरली एक पॉज ले लेती। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी निकी लाइब्रेरी में, व्हाट इज योर मोर इम्पोर्टेंट टू यू, एक ऐसी नौकरी जिसमें आप खुश रहते हैं या एक ऐसी नौकरी या चॉइस जो कि आपको इतना पैसा देती है कि आपके आसपास आपके माँ बाप, आपके बीवी, आपके बच्चे, जितनी उनकी जरूरतें हैं, जितने उनके सपने हैं, आप वो सारे पूरे कर सकते हो उस पैसे में, ये जानते हुए कि जो काम आप कर रहे हैं वो गलत है। शायद बहुत आसान है आपके और मेरे लिए बोलना कि अरे पहला इज बेटर, एटलीस्ट आप सही काम तो कर रहे हो। पर अगर जिंदगी में ऐसी ऑप्शन आपके पास आए, क्या आप उसे चूज कर पाएंगे? इस किताब जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ, टेल हर एवरीथिंग, जो कि लिखी है मिर्जा वाहिद ने, इसमें भी इसी चॉइस की बात की गई है। एक डॉक्टर, डॉक्टर के, जिनके पास बूढ़े माँ बाप है, एक बीवी है, एक बेटी है, एक सऊदी जगह पर रहते हैं जहाँ पे कुछ गलत काम कर रहे हैं डॉक्टर होकर। वहीं उनका एक और फ्रेंड है बीजू। बीजू के पास कोई नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, और ये बड़ा क्लियर डिमार्केशन दिखाया है, उसके पास ना फैमिली है, ना दोस्त है, ना माँ बाप है। बीजू भी काम कर रहा है, पर बीजू अपने लिए काम कर रहा है, इसलिए वो उतना ही काम करता है जितना उसे सही लगता है। वो पैसे के लिए कोई गलत काम नहीं कर रहा, जबकि डॉक्टर के कर रहे हैं। ये जो कंपैरिजन है ना चॉइसेस का, ये आपको रियलाइज करवाता है कि कहीं ना कहीं क्या ऑथर भी एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि जिन लोगों के पास फैमिली होती है उनके लिए शायद कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ खुददारी से ज्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली के कंफर्ट्स हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं इस किताब में जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। बाय द एंड ऑफ द बुक, बाय द सेकंड हाफ ऑफ द बुक, यू रियलाइज कि डॉक्टर के एक्चुअली क्या कर रहे हैं। आप रियलाइज करते हैं कि आपने अखबारों में, किताबों में, न्यूज़पेपर्स में बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस के बारे में पढ़ा है, पर आपने कभी सोचा नहीं था कि कौन है वो लोग जो एक्चुअली ये करते हैं। इस किताब में दोस्ती को परखा जाता है। क्या होता है जब दो दोस्त आमने सामने आ जाते हैं और आपका कंफर्ट आपसे छिनने लग जाता है, कि आप दोस्त की साइड लेते हैं या कंफर्ट की? एक और जगह जहां डॉक्टर के और बीजू का कंपैरिजन आता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये किताब, टेल हर एवरीथिंग, मिर्जा वाहिद की। सर देखिएगा पढ़कर। इनफैक्ट इफ यू वॉन्ट आई हैव टू एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ दिस। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने हर जगह से ऑर्डर कर ली थी। आई कुड सेंड इट टू यू। आप मुझे मेल लिख दीजिएगा rjgini@gmail.com पर, और टेल मी व्हाई डू यू थिंक आई शुड सेंड यू दिस बुक। इफ आई लाइक योर आंसर, आप भारत के जिस भी हिस्से में अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं कुरियर करवा दूंगी। दैट्स माई प्रॉमिस, बट आई शुड लाइक योर रीजन फॉर इट। और मैं आपके लिए एक छोटा सा नोट भी भेज दूंगी। इज दैट फेयर? और अगर आपके पास ऐसी कोई किताब है या कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग किताब है जो आप चाहते हो कि मैं दिल्ली को, इंडिया को, मुंबई को सुनाऊं गिनी की लाइब्रेरी में, तो सेंड इट टू मी ना, अगेन @rjgini@gmail.com या फिर @rjgini इंस्टा, ट्विटर या फेसबुक पर।
अगले संडे फिर मुलाकात, होपफुली इतनी डार्क किताब के साथ नहीं, होपफुली इतना सोचने पे मजबूर करने वाली किताब के साथ नहीं। आई होप नेक्स्ट संडे इज अ लाइट ब्रीजी हैप्पी बुक। मेरा नाम गिनी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और लिखिएगा जरूर, इंतजार करूंगी।